we are to begin the case of image formed by convex lens beta. कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनेगा जब हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, किस तरीके से हम इमेजेस बेटे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं. लेट अस बेटे फोकस अपॉन दिस. फर्स्ट इज बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. आपने बेटे डियर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर रखा है, तो व्हाट विल हैपन, ये आपका बच्चों कन्वेक्स मिरर लेंस, सॉरी मिरर नहीं लेंस है ये, एंड इस लाइन को क्या बोल रहे थे हम बेटा, एंड सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड, इट इज ऑप्टिकल सेंटर. वेरी राइट, इसको आपने कल एफ बोला था, देन बेटे ट्वाइस एफ ऑप्टिकल सेंटर एफ एंड बेटे टू एफ बेटा. अब बच्चों जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, हम ये जो रेज ऑफ लाइट है इनको बेटे इस तरीके से डॉटेड लाइन से शो कर दिया करते हैं. एक रे ऑफ लाइट आपका ये आ गया बेटा. सेकेंडली आपके पास दिस इज अनदर रे ऑफ लाइट. आपको याद होगा कल हमने बेटे रे डायग्राम्स बनाए थे तीन, उनमें हाँ जी बेटे ठीक है, उनमें हमने कहा था कि कौन सी तीन में से कोई भी दो रेज आप जो हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज कर लोगे. तो ये रे आपका फोकस में से डियर चिल्ड्रन पास कर रहा है बेटा, एंड सो इज द केस विद दिस रे ऑफ लाइट आल्सो बेटे. तो ये दोनों बेटा फोकस में मिल रही हैं, एक्चुअल में मिल रही हैं. आपका इमेज जो होगा बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए रियल, इट विल बी इनवर्टेड, it will be bete at focus and it will be bete point size. bada chhota hoga kyunki object aapka bahut zyada dur hai, that's why it will be small in size bete. right beta, bete sath sath banate jaiyega diagram, aise mat baithiyega, isse aapki practice ho jayegi aur paper mein aasan hoga aapke liye, questions ko accordingly bete tackle kar sakte. second bete hamare paas hai जब आपका ऑब्जेक्ट बेटे बियॉन्ड 2f है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f बेटे अगर हम प्लेस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, आइए जरा देखें, सोचें, समझें इसके बारे में. ये आपका बच्चों वंस अगेन कन्वेक्स लेंस बेटा. हाँ जी पुत्र क्या बैठे रहो, अभी अलमीरा की बाद में लेना, पहले काम कर लो अपना. वी हैव, बैठ जाइए बैठ जाइए, बाद में लेके आना की बेटे, पहले काम कर लीजिए अपना. तो ये आपके पास ट्वाइस एफ एफ ऑप्टिकल सेंटर एंड जस्ट लाइक दिस बेटा. अब हमने बेटे क्या दिया, अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f बेटा प्लेस किया है. ये आपने अपना ऑब्जेक्ट बेटा ए बी नाम रखा अपने ऑब्जेक्ट का, दिस इज ए एंड बी. एक रे ऑफ लाइट आपका बेटे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है बेटा, इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द, हाँ जी बोला करो साथ साथ बच्चों, फोकस. और अगर आप बेटे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराओगे, देन इट विल गो अनडिवीटेड चला जाएगा ना, ये फिर आपकी रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये आपका 2f से पहले पहले हो जाएगा. अकॉर्डिंगली डायग्राम अपना देख लेना बेटा. सो वी विल से दैट बेटा इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड आपका बिकॉज रेज के एक्चुअल मीट करने पे है, इट विल बी बेटा रियल क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है. इट विल बी इनवर्टेड आल्सो, इट विल बी बेटा मैग्नीफाइड, राइट जी, एंड इट विल बी बिटवीन एफ एंड 2f, इट विल बी बेटे बिटवीन एफ एंड बेटा 2f. सो ध्यान रखिए डायग्राम ड्रॉ करते टाइम, अगर आप डिस्टेंसिस को बराबर रखोगे,
आपके डायग्राम में कोई भी अनसिमेट्री आपको देखने को अनसिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं मिलेगा, राइट? आप बना रहे हैं साथ साथ, बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए जी, बोलो बेटे, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? सर जो इमेज फॉर्म हुई है वो एफ और टू एफ के इन बिटवीन फॉर्म हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इन बिटवीन, मिडल में दोनों के कहीं पे और भी एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है बेटा, इनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टू एफ, जितना दूर होगा उतना इधर पास हो जाएगा बेटा, राइट? ओके सर। देन थर्ड केस है बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट बेटे एग्जैक्टली टू एफ पे पड़ा है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस यूर एफ बेटा, लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ इमेज वी आर गोइंग टू गेट बेटे। आपने वंस अगेन अपना कन्वेक्स कौन सा बनाया, ये लेंस कौन सा है, थोड़ा बोला करो भी बच्चों, ऐसे नहीं बात बनती। कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, ट्वाइस एफ। बेटे जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें कोशिश करिए कि ये डिस्टेंसेस आप चाहे अंदाजे से ही रखें, बराबर रखें, अगर बराबर रखोगे तो आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा। ऐसे ही ये एफ और ये बेटे टू एफ, और आपने अपना ऑब्जेक्ट बेटे 2F के ऊपर प्लेस कर दिया, एग्जैक्टली बी मार्क इट एज ए बी, राइट? ए बी नाम रख दिया उसका, कोई भी नाम रख सकते हो आप, ए बी सी डी एक्स वाई एल एम, जो मर्जी रखो, इट इज ऑल अप टू यू। ये रे बेटी देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है जी सर। हाँ जी बोलिए जी बोलिए। सर जो सा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी इमेज की? ये बेटे इमेज बड़ा होगा स्लाइटली ऑब्जेक्ट की कंपैरेटिवली, बाकी रियल इन्वर्टेड तो है ही है बेटा। ये फोकस में से पास कर गया जी, सर सेकंड केस में इमेज डिमिनिश नहीं होगा? हाँ जी बेटे। सर जो पिछला केस करवाया है उसमें इमेज की साइज छोटा होगा? छोटा सर क्योंकि 2F से पीछे है और वहां पे 2F और F के बीच में बन रहा है। चलिए देख लेते हैं बेटे, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको करवा देता हूं, शायद आप ठीक कह रहे हैं। सेकेंडली ये बेटे O में से रे पास कर गया हमारा, और आप जानते हैं ये रे अनडिविएटेड चला जाता है बेटा, और ये आपका रे बेटे देखिए सीधा ही चला गया, और आप यहाँ पे देखोगे अगर तो ये दोनों रेज असल में मीट कर रही हैं, एग्जैक्टली देखिए 2F के ऊपर आपकी दोनों रेज मिल गई हैं, दिस इज ए डैश एंड बी डैश बन गया बेटा। ये अब आपका इमेज जो है बेटा ये सेम साइज का है, रियल भी है, ये इन्वर्टेड भी है, और बेटे एट 2F है, इसको बेटे आप मैग्नीफाइड की जगह पर स्मॉल ही कर लीजिए, ठीक है, स्मॉल साइज कर लीजिए, स्मॉल इन साइज, फिर देख लेते हैं न्यूमेरिकली, देख लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं, राइट बेटे? थर्ड वाला पॉइंट डियर चिल्ड्रन क्लियर हो गया, 2F पे है तो 2F पे ही बनेगा पुत्र। चलें बच्चों आगे, ऑल वेल बेटे। इसके बाद डियर चिल्ड्रन फोर्थ है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को बेटा एफ और टू एफ के बीच में यहां पे प्लेस कर देते हो मिडल में, लेट अस फोकस अपॉन दिस पॉइंट बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ बेटे, राइट जी? ये डियर चिल्ड्रन आपका बन गया जी कौन सा लेंस, पक्की बात है, ये लाइन को क्या कहते हैं, वेरी राइट, इस पॉइंट को, बहुत अच्छे, ये पॉइंट को, इसको, वेरी नाइस, अगेन दिस पॉइंट,
एंड दिस पॉइंट बेटा डियर चिल्ड्रन अंदाजे से डिस्टेंसेस बराबर रखने की कोशिश जरूर करिएगा, उससे फिर आपका डायग्राम जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा। राइट बेटा, चलें आगे। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना था? इन, यस नहीं भाई अभी यस मत कहो, इट इज इन बिटवीन एफ एंड टू एफ, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हो, जनरली ए भी रखा है हमने, दैट इज वाई वी आर राइटिंग इट एज ए बी। एक रे पैरेलल जा रहा है, ठीक है जी, कहां से आएगा? फोकस में से पास कर जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेकंड रे बेटे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दें जी, कैसे जाएगा ये? अनडिविएटेड क्यों जाएगा? नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, दैट इज वाई इट विल गो अनडिविएटेड। राइट, यस 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 बेटा, आपका देखिए यहाँ पे इमेज बड़े साइज का लग रहा है देखने में, तो इसको बड़ा बोल दें फिर इमेज को। देखिए रियल तो है ही है ना, इन्वर्टेड भी है ही है, एनलार्ज्ड कह दें, और बियॉन्ड 2f कह देते हैं। ठीक हो गई बात बच्चों? कोई मुश्किल तो नहीं? फिजिक्स है ही बहुत आसान बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद आपके पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? एट फोकस, बिल्कुल ठीक। We have, आप बनाओगे एक डायग्राम आकर? नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कॉपी पे बनाइए, आप अपनी कॉपी पे बनाइए। ये आपका बेटे कौन सा लेंस? ये लाइन को क्या कहते हैं? ये पॉइंट को, इस पॉइंट को, इसको, इसको। वेरी राइट, वेरी राइट बेटा। अब अपने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे, रख दें? नहीं रखना चाहिए भी, नो क्यों कह रहे हो आप? इट इज ए बी, एक रे पैरेलल जा रहा है तो फोकस में से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा। ये चला गया जी एफ में से। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें बच्चों। हाँ जी, नहीं नहीं मर्जी नहीं बेटे, देखो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ओनली, मर्जी थोड़ी कर सकते हैं हम अपनी। ये देखिए इनफिनिटी पे मीट कर रही है रेस, राइट, तो इमेज बच्चों कैसा बनेगा? रियल इनवर्टेड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाईली मैग्निफाइड एंड एट इंफिनिटी, राइट। बनाते जाइए, करते जाइए, लिखते जाइए, बहुत अच्छे बात। अच्छा ये रहता है अभी? मुझे लगा आप वो कह रहे हो, कर लो आराम से, कोई बात नहीं बेटे, कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद बेटे हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बेटे डायग्राम बना लो साथ साथ। हाँ जी हाँ जी, हो गया जी, ओके नाइस बेटे। आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा बेटा फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के मिडल में, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, बनाए डायग्राम? आप बनाओगे अपने आप? करोगे? देखिए जरा करके, फिर आप कंपेयर करिएगा। कॉपी पे करोगे और कहाँ करोगे? नहीं नहीं बोर्ड पे नहीं, अभी आप करिए, आप अपनी कॉपी पे करिए, बोर्ड पे फिर आपको मौका देंगे कभी बाद में। हाँ जी पुत्र, क्या कहते हो? हाँ जी
ऐसे मत कहा करो, शुभ बोला करो बेटा, शुभ शुभ बोला करो, बड़ी मुश्किल से बेटे लिसन, ऐसे नहीं कहा करो, बड़ी मुश्किल से तो आप लोग स्कूल आए हैं और अच्छा लग रहा है सबको, आपको भी अच्छा लग रहा होगा आई होप। अच्छा ओके ओके, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर दिस इज ए बी, ये रे पैरेलल चला गया जी, और इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। सेकंड रे आपका ऑप्टिकल सेंटर में से जाने दें, यस सर, चला गया जी, एंड देन लेट अस एक्सटेंड दीज रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यस, हां जी, मिल नहीं जाएंगी, दे अपीयर टू मीट, दे डोंट मीट एक्चुअली, दे सिंपली अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। और बच्चों ए डैश एंड बी डैश आपका क्या बन गया जी, इमेज कैसा है, इमेज ए वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, मैग्नीफाइड भी है, एंड ऑन द सेम साइड भी है, राइट। सारे स्टूडेंट्स के डायग्राम्स हो गए पुत्र, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिए डायग्राम थोड़े बड़े साइज के बनाएं, ठीक है, अगर आप डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाओगे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ जी रुके हुए हैं कोई बात नहीं, हाँ जी बेटे नोट करो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं बेटे आराम से करो, हम जल्दी वाली बात नहीं है कोई भी, वंस यू कंप्लीट योर सिंगल डायग्राम एंड देन बेटे वी विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आप मिडल में से बेटे इस साइड पे आ जाइए आप, और आप मिडल में से इस साइड पे आ जाइए, बाद में आ जाना, आप बैठे रहो, आपको कह रहा हूं बेटा। इसके बाद बेटे वी हैव द केस ऑफ कंकेव लेंस, बेटा आइए फोकस करें कंकेव लेंस के, उधर बैठ जाओ बेटे, कंकेव लेंस। सबसे पहले बेटे हम अपना ऑब्जेक्ट जो है, हाँ जी आपको आता है, अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कर लें पहले, वी हैव कंकेव लेंस बेटा, कंकेव लेंस बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिडल में थिन होता है, एजिस पे थिक होता है, कन्वेक्स लेंस जो है मिडल पे थिक होता है, एजिस पे थिन होता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट वी कॉल दिस लाइन एज, और ये पॉइंट आपका, ये आपकी एफ और टू एफ वही जो आप ऑलरेडी करते आए हो, और इंफिनिटी से रे आ रही है, डॉटेड लाइन से शो कर दी, और आपको लगेगा, क्या लगेगा कि ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ये ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्ज हो रही है ना बेटा, हाँ जी ओके, हाँ जी अभी रुक जाइए दो मिनट पुत्र, काम कंप्लीट करके चले जाना आप, ये रे ऐसे चला गया, डाइवर्ज हो गया बेटा, दोनों रेज फोकस पे अपीयर हो रही है मीट होती हुई, इमेज विल बी वर्चुअल, क्यों, क्योंकि रेज एक्चुअल में नहीं मीट कर रही, दे जस्ट अपीयर टू मीट, यस इट इज इरेक्ट बेटा, इट इज विद ए पॉइंट साइज, और क्या बात है इसकी खास, एट फोकस बनेगा, राइट कोई मुश्किल तो नहीं लग रही, ये है ही आसान, हाँ जी नो प्रॉब्लम, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, चलें आगे, कहाँ जाना है जल्दी आ जाइए,
आपका ऑब्जेक्ट जो है जब आप इसको बेटा नियर टू द लेंस प्लेस करोगे, यस बेटी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और नॉट, उत्तर हो गया कि नहीं? हाँ वो तो कर लो, ओके 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 ऑल राइट। ऑब्जेक्ट नहीं बेटे, नियर द लेंस, हाँ ठीक है, ये आपका कौन सा लेंस है, इसका दूसरा नाम क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड द केव लेंस, वेरी राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका एफ एन टू एफ एस एच हो गया बेटा। हम कहीं पे भी अपने लेंस के नजदीक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं बेटा, मान लीजिए मैंने यहीं रख दिया, नाम ऑब्जेक्ट का रखा हमने ए बी, पुत्र जो रे पैरेलल जा रहा है बेटा इन दिस वे, आपको लगेगा कि ये बेटा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज होकर ऐसे चला गया है, राइट? एंड देन सेकेंड रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, लेट इट गो एस एच अनडेविएटेड, दोनों रेज यहां पे अपीयर हो रही है मीट करती हुई, असल में तो नहीं मिल रही है ना, दिस इज ए डैश बी डैश, कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड कह लो, और चौथी बात क्या है, ऑन द सेम साइड कह दे, है ना बेटा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सो ये बेटे आपके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से लिख सकते हो बेटा। लेट अस नाउ गो फॉर विद द लेंस फॉर्मूला, आइए देखें लेंस फॉर्मूला क्या है और हम किस, बुढ़िया इधर ध्यान दो, वी हैव फर्दर, बेटा ये हो गया सबका, सर इसके सिर्फ दो ही केसेस हैं, हाँ जी पुत्र, इसके अंदर कनकेव लेंस में सेम ही है, सिर्फ टू ही, इसके अंदर टू ही केस बनते हैं इसमें बेटे, केसेस आप जितने मर्जी बनाई जाओ, इमेज आपका इस तरफ ही बनेगा, इसीलिए मैंने दो ही बनाए, आप जितने मर्जी बनाते जाइए इमेज विल बी ऑन द सेम साइड, दैट इज व्हाई आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माय सेल्फ टू द टू केसेस ओनली। तो आप अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख लो जहां मर्जी रख लो, आपका साइड सेम ही रहेगा, दैट इज व्हाई मैंने नहीं आगे कुछ भी मेंशन किया। आइए आगे चलें, हमारा बच्चों नेक्स्ट है, बैठ जाओ उत्तर, आगे है लेंस फॉर्मूला, हाँ जी डेरिवेशन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली वो कुछ पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन इज नॉट देयर। जरा इसके बारे में एक लाइन पुत्र लिख लेना, लेंस फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन, लेंस फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ है, कैसे रिलेटेड है ये, वन बाई वी वन बाई एफ। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कैसे करोगे आप इसको, वी हैव ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपके
प्रिंसिपल एक्सिस हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2F, फोकस 2F, आपने यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस किया अपना, ए बी पुत्र जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, फोकस में से पास कर जाएगा कुछ इस तरीके से, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है, इट विल गो इन दिस वे बेटा, दोनों रेज असल में यहां पे मीट कर रही हैं, इट इज योर ए डैश एंड बी डैश हो जाएगा जी, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका फोकल लेंथ है यहां तक, एंड ये आपका इमेज डिस्टेंस आ गया जी यहां तक, राइट। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप ए बी ओ ट्रायंगल की बात कर लीजिएगा, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, इनमें ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं पुत्र जी, ये राइट एंगल है जी, तीसरा एंगल बराबर अपने आप हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर कह लो, ये मैंने सिमिलर लिख दिया, ये लीजिए राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ऐसा है तो आप ए डैश बी डैश ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ए बी, दिस इज इक्वल टू ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी कर सकते हो पुत्र, देखो चेक करके बताओ जरा जल्दी से, है ना, है। अब आप ट्रायंगल देखो डी ओ एफ एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए डैश बी डैश एंड एफ, राइट डियर चिल्ड्रन, इसमें देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, आप इनको सिमिलर कहते हो तो कहिए बेटे, बार बार कहिए, देन तो यू कैन राइट ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई डी ओ, कह दूं बेटा राइट, इट इज योर एफ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ कह दें। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, इधर ये डी ओ जो है ये ए बी के बराबर है, चेक करिएगा, है ना, तो अगर बच्चों मैं यहां पे ऐसे लिख दूं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है, है ही नहीं है, यस, इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई, अब राइट हैंड साइड सेम कर दें, कर देना चाहिए, सो ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी, एफ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ, जरा चेक करिएगा, ऐसा है, ऐसा ही है, इसको आप लिखो ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी, बेटे आप बताओ एफ बी डैश को क्या लिखूं मैं, एफ बी डैश को, यस ओ बी डैश माइनस ओ एफ, बेटे ऐसे क्यों लिखा हमने, बिकॉज डियर चिल्ड्रन हमारी साइन कन्वेंशंस कहती हैं कि हमने सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, इसलिए ऐसे लिखा नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओ एफ कर दो पुत्र ऐसे ही, अरे कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा, बहुत आसान, सीधी सीधी बातें सर, बहुत आसान है, यस, ओ बी डैश किसके बराबर है राघव, ओ बी डैश किसके बराबर है, इट इज वी इमेज डिस्टेंस पुत्र, ओ बी किसके बराबर है बच्चों, माइनस यू, साइन कन्वेंशंस का भी ध्यान रखिए ना, राइट, एंड ओ बी डैश आपका क्या था, वी, अच्छा ओ एफ किसके बराबर है डियर चिल्ड्रन,
एफ के बराबर और इट इज एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, करना चाहिए. सो वी विल हैव वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, राइट. अच्छा बच्चों, इसको इधर ले गया मैं, इसको इधर ले आया, ले आऊं, ले आना चाहिए. यस, सो यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ. कैसा लग रहा है रिलेशनशिप? रू आउट यू वी एफ से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई यू वी एफ, यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ, वी एफ अपॉन. कैसा रहा पुत्र? अच्छा रहा है ना. यू एफ से यू एफ एंड बी एफ से बी एफ कट गया. क्या बच गया जी आपके पास? वन बाई एफ इज वन बाई बी माइनस वन बाई यू. यही निकालना था आप लोगों को, राइट? क्लियर टू ऑल? कोई शक वाली बात तो नहीं? सर यहाँ पे मैं, हाँ जी भूमिका कुछ कह रही है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, यहाँ पर इमेज जो है वो मीट, मतलब जो रेज है वो मीट कर रही है कि पेयर हो? मीट कर रही है. ओके सर. बेटा इधर ध्यान दो, एक मिनट और लूंगा आपका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए. सारे स्टूडेंट्स फोकस करिएगा, मैग्निफिकेशन क्या है इस केस में? ये हो गया आपका नोट सारे बच्चों का? ऑल वेल, ऑल वेल. देन लेट अस, लिखो हेडिंग, लिखो बेटा मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट किया था. इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अरे नहीं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. बेटे इधर ध्यान दो जरा, आपने पहले ट्रायंगल कौन सी देखी थी? ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, इनको सिमिलर बोला था ना आपने, इन जो मर्जी कह लो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इट वॉज ओ बी डैश अपॉन ओ बी कहा था. अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर इमेज साइज एच टू, दिस इज योर ऑब्जेक्ट साइज एच वन. ए डैश बी डैश को क्या लिखूं मैं राघव? सोच के बताओ. माइनस एच टू, साइन कन्वेंशन की लगानी है ना. ओ बी ए बी को क्या लिखूं पुत्र? वेरी राइट, अब आपको समझ आ गई है. ओ बी डैश को क्या लिखूं? हर बार माइनस थोड़ी लिखेंगे, इट इज बी, इधर है ना. एंड ओ एफ को क्या लिखूं पुत्र? ओ बी चाहिए था यहां, माइनस यू. ये माइनस से माइनस कट गया. एक मिनट पुत्र, एच टू बाई एच वन आपका वी ओवर यू बन गया. सो मैग्निफिकेशन कितनी बन गई आपकी मिरर लेंस के केस में? वी अपॉन यू, राइट बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड बेटा. नहीं नहीं बेटा, इसको बेटे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा. थैंक यू ऑल बेटा, डियर चिल्ड्रन.